नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं यशपाल का विप्लव 4 इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। मार्च 1947 से फरवरी 1949 के बीच में जो विप्लव में लेख लिखे थे यशपाल ने, यह पुस्तक उनका संकलन है। यशपाल कौन है पहले मैं यह बता दूं, उसके बाद विप्लव क्या है ये बताऊं, और फिर मैं ये बताऊं कि इन लेखों का क्या महत्व है हमारे लिए या आधुनिक समय के लिए। यशपाल एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, संपादक, लेखक थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी डीएवी स्कूल लाहौर से हुई। मनोहर लाल हाई स्कूल से भी उन्होंने परीक्षा पास की, प्रथम श्रेणी में मैट्रिक किया। प्रारंभिक जीवन ही उनका रोमांचक कथाओं के नायकों सरीखा था। वे भगत सिंह, सुखदेव, भगवती बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों के साथ उन्होंने काम किया था। ये सारे आज़ादी के वे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जी, भगवती चरण बोहरा, किसी का नाम भी अनजाना नहीं है जो लोग देशभक्ति से सरोकार जिनका है। और ख़ास बात यह है कि 1931 में जब हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए तो उनकी जगह पर यशपाल ही सेनापति नियुक्त किए गए थे। 1932 में पुलिस मुठभेड़ में इनकी गिरफ्तारी हो गई। ये 1938 में जेल से छूटे, उसके बाद लगातार लेखन कार्य में संलग्न रहे जीवन पर्यंत। ये वो लोग हैं, वो लेखक हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान तो अपना योगदान दिया ही, अंग्रेजों से युद्ध किया ही, आज़ादी के बाद जो सपने टूटे उनके आज़ाद भारत में, उसके खिलाफ भी कलम चलाई। झूठा सच वतन और देश, और झूठा सच देश का भविष्य, मेरी तेरी उसकी बात, ये दोनों पुस्तकें काफ़ी चर्चित रही। देशद्रोही, दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, दिव्या, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का साप, ये बहुत सारे चर्चित उपन्यास उन्होंने लिखे। ढेर सारे कविता संकलन आए और यात्रा वृतांत भी लिखा, डायरी भी लिखी, राजनीति निबंध, व्यंग्य भी लिखा। कई सारे पुरस्कार भी मिले, पद्म भूषण भी मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और 26 दिसंबर 1976 को अपनी मृत्यु के दिनों तक यशपाल लगातार लिखते रहे। ये उस दौर के लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की, उस दौर में पढ़ाई की जब वे जेलों में बंद थे, बाकायदा कक्षा लगा कर जेल के भीतर किस तरह से वे लोग पढ़ाई करते थे, किस तरह से साहित्य का सृजन करते थे, दर्शन पढ़ते थे, निबंध पढ़ते थे, और अब इतिहास के अलावा अपने देश के भविष्य के बारे में सोचते थे। यह बात जब वे जेल से बाहर निकले तो विप्लव नामक जो पत्र निकाला उसमें लगातार वो लिखते रहे। विप्लव बहुत ही क्रांतिकारी अपने दौर का प्रकाशन था जो साहित्य के बाजीकरण, व्यावसायिकता, राष्ट्रप्रेम, भाषा, वैचारिक स्वायत्तता, लेखन, लेखन का जो यथार्थ है, लेखन का जो व्यवसाय है, देश क्या है, देश की जो राष्ट्रीयता है, उस पर कांग्रेस और कांग्रेस के बाद जो माउंटबेटन मार्का जो आज़ादी थी उनकी बात, मार्क्सवाद, मार्क्सवाद का नया दौर, उसका नया अंदाज, इन सभी विषयों पर अलग अलग ढंग से विप्लव में तमाम लेख, संपादकीय, निबंध उन्होंने लिखा था। विप्लव जब बंद हो गया लगातार सरकार के विरोध के करने के चलते, तो विप्लव और विप्लव ट्रैक्ट के अलग अलग अंक निकलते रहे। खास बात यह है कि कई बार नियतकालीन, कई बार अनियतकालीन समय पर निकलता रहा यह अखबार पत्र। और इसमें जो है यशपाल
अलग अलग नामों से कभी लेख लिखते थे, कभी संपादकीय लिखते थे, कभी निबंध लिखते थे, कभी अलग तरह की सामग्री उनकी प्रकाशित होती रहती थी। कई स्तंभ हो जैसे चक्कर क्लब, चाय की चुस्कियाँ, चिलम चक्कर, बेकार एंड कंपनी, सेक्रेटरी के नाम से कभी लिखते थे, कभी दुर्मुख उपनाम से लिखते थे। इसके अलावा जो विनिमय समालोचना और टिप्पणियाँ थी, इस शीर्षक से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ये विप्लव का जो अंक है उसमें 1947 से फरवरी 1949 के बीच का यह संकलन जो है, इसकी भूमिका गौतम चौबे ने लिखी है। गौतम चौबे ने बाकायदा विस्तार से यह बताया है कि यशपाल का जो जीवन था, जो उन्होंने 1903 से 1976 के बीच उनका जो साहित्य और पत्रकारिता थी, जो उनकी क्रांतिकारी संघर्ष था, जो उनका बौद्धिकता की उपज थी, जो उन्होंने इस देश को देखा और समझा, उसे अलग अलग ढंग से लिखा है। खास बात यह है कि इसमें इतना तीखापन है यशपाल के लेखन में और इतना चुटीला व्यंग है कि उससे न तो कांग्रेस बचती है, न तो उससे संघ बचता है, और कई बार मार्क्सवाद भी उससे नहीं बचता, जबकि यशपाल जो है मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक थे। उन्होंने दार्शनिकों पर कटाक्ष किया है, नेताओं पर कटाक्ष किया है, आम जनता पर कटाक्ष किया है, उसकी भावना पर कटाक्ष किया है, पूंजीवाद के खिलाफ निश्चित रूप से लिखा है, और अमेरिकी प्रभुत्व और साम्राज्यवाद के खिलाफ भी उन्होंने लिखा है। उस समय के तमाम नेता, यहाँ तक कि पंडित नेहरू भी उनके निशाने पर लगातार बने रहे, क्रांति का समर्थन किया है, आम जनता के लिए वे अध्यात्म और दर्शन को मानते हैं कि ये काहली का प्रतीक है। यशपाल की जितनी भी बातें हैं उनसे आप इत्तिफाक रखिए या ना रखिए, लेकिन यह पुस्तक यह बताती है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वे किसी भी विचारधारा से जुड़े थे, उनका मकसद कहीं ना कहीं से इस देश के आम व्यक्तियों के पक्ष में बोलना था, और वो लगातार जेल जाने के बावजूद इस पक्ष में बने रहे। इस पुस्तक को लोक भारती पेपरबैक्स ने ही प्रकाशित किया है। फिलहाल यह लोक भारती पेपरबैक्स राजकमल प्रकाशन का एक उपक्रम है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 995 रुपया। यह राजनीति और निबंध श्रेणी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उम्मीद है साहित्य तक का किताबों पर केंद्रित यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में विविध विधाओं की पुस्तकों के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। उन पुस्तकों को पढ़ते समय मैंने कैसा महसूस किया, यह बताना मेरा उद्देश्य होता है, ताकि आप अच्छी पुस्तकों के चयन में आपको आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक किताब के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।